छर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में राठौर समाज ने जांच के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन, नाम हटाने की मांग। जिले के छर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मानपुर गांव में कल राजेश कुशवाहा पुत्र रमेश कुशवाहा का शव गेट में संदिग्ध अवस्था में डला हुआ था, जहां मृतक के परिजनों ने मेहदेवा गांव के राठौर समाज के पांच लोग पूरन राठौर, दीपक राठौर, हेमंत राठौर, अकेश राठौर, मोहन राठौर पर हत्या करने के आरोप लगाए थे, जहां पुलिस ने उधर कुशवाहा की शिकायत पर पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर आज ने एसपी को ज्ञापन देते हुए मामले में जांच की मांग कर कार्रवाई की मांग की है। हरिओम राठौर ने बताया कि हमारे राठौर समाज के पूरन कुशवाहा पर जो एफआईआर हुई है वह बिल्कुल गलत है। मृतक कुशवाहा समाज की एक लड़की को अवैध रूप से लेकर आया था। लड़की के परिजनों ने घटना कारित की। उन्होंने कहा कि मृतक के घर पर ही फांसे लगा लिए। मृतक के घर वालों ने ही शव को गेट में डालकर राठौर समाज के लोगों पर गलत आरोप लगाए हैं। हरिओम राठौर ने पुरानी रंजिश का भी हवाला दिया है। राठौर समाज ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हरिओम राठौर, हरिओम जी, आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? क्या है, महादेव गांव में परसों, मेहदेवा गांव में परसों एक घटना घट गट गई है, और कुशवाहा समाज ने, वो व्यक्ति वहाँ था भी नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर की है। उनके घर वालों का स्टेटमेंट आज पत्रकार अखबार में छपा है। रात के 1:30 बजे तक वो सो रहा है घर पे, और उनने सुबह उठा है, और वो उसने घर में फांसी लगा ली जी। राजेश कुशवाहा ने घर में फांसी लगा ली, उनके घर वाले ही उसको बाहर डाले आए। उनका क्या है कि चुनावी थोड़ी सी रंजिश चली आ रही है, तो उनका केवल उद्देश्य है कि इनको फंसा दिया जाए, जबकि जो पूरन राठौर जी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं है, बहुत सीधे लोग हैं। तो ये फांसी क्यों लगाएगा वो, कोई परेशान वगैरह था? हाँ, उसका अभी एक बात और सामने आई है, 15-20 दिन पहले वो कुशवाहा समाज की एक महिला को लेके आया अवैध रूप से, तो उनका आपसी घटना है भाई, किसी दूसरे की तुम पत्नी को लाओगे वो घटना है, और उनने हमारे इसमें राठौर भाइयों को इन्वॉल्व कर दिया, और इस पे अभी उनने कोई गौर नहीं की। तो उसका सब भी पास वाले खेत गेत में मिला था। हाँ? तो एक बात, सब कैसे पहुंचा फिर? नहीं, सब उन्हीं के घर वालों ने डाला है उसको, इनको फंसाने के लिए, इनकी थोड़ी सी चुनावी थोड़ा सा विवाद है, वो रहता ही है राजनीतिक। और जी कुशवाहा महिला को लेके आया है, जी राजेश कुशवाहा जिसने फांसी लगाई है, अब उनने उनका आपसी विवाद, आप अपन जानते ही आजकल जितने भी सेंट परसेंट हो रहे हैं महिलाओं का ही विवाद रहता है। तो महिला को कहाँ से लेके आया था, और महिला में और पति उसमें नहीं, वो अभी ऐसी जानकारी ली अपन और आपको बता देंगे, वो महिला को लेके आया, दूसरी महिला को, कुशवाहा समाज की को। तो मुझे तो ये लगता है उन्हीं लोगों ने कुछ इसके साथ घटना कारित की है, और कांग्रेस ही विधायक है कुशवाहा, तो वो उनका पक्ष रख रहा है। क्या मांग रखी आज आपने? हमने इसकी जांच कराई जाए, बिल्कुल निर्दोष हैं, और इनके नाम, इनके जो भी एफआईआर हुई है उनको निकाला जाए उसमें।